नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि प्राकृतिक से खेलने का अंजाम कितना भयानक होता है क्या आपको पता है उन्नीस में चिड़ियों की वजह से चीन में किस तरह की भयानक तबाही हुई थी दोस्तों अगर आपको यह नहीं पता है तो आज मैं आपको यह सच्ची घटना बताने वाला हूँ उन्नीस में चिड़ियों की वजह से चीन को भारी तबाही सहनी पड़ी थी और लगभग ढाई करोड़ लोग मर गए थे परंतु इसमें गलती चिड़ियों की नहीं थी यह गलती इंसान से हुई थी हम अक्सर सोचते हैं कि कीट पतंगे और सांप हमारे लिए भयानक है या हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं यह भला हमारे किस काम आते हैं यह सब बेकार हैं और इनके जीने मरने से हमें क्या फर्क पड़ता है परंतु भगवान ने कुछ भी फालतू नहीं बनाया है कुछ भी चीज़ें फालतू नहीं हैं यह सब हमारे मददगार हैं हमारे आसपास हर जीवित जीव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है किसी भी जीव का लुप्त हो जाना कहीं ना कहीं पूरी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है हमें बाद में जब परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो समझ में आता है कि यह जीव हमारे दोस्त भी हैं और हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी है बात उन्नीस की है जब चीन के मो ओ जेडोंग ने चीन में एक अभियान शुरू करवाया था जिसे फोर पेट्स के पेगन का नाम दिया गया था जिस अभियान में मच्छर मक्खी चूहा और गोरैया को मारने का फरमान जारी किया गया था माओ जेडोंग का कहना था कि गोरैया खेतों से सारा अनाज खा जाती है इसीलिए इसे भी मारना जरूरी है और मच्छर मक्खी और चूहे के नुकसान तो सबको ही पता है कि मच्छर मलेरिया फैलाता है मक्खियां हैजा फैलाती है और चूहे पलेग फैलाते हैं इससे इनका सफाया इंसान के हित में था इस अभियान को चीन में उस समय एक आंदोलन के तरह चलाया गया चीन के लोगों ने बर्तन व ड्रम बजाकर चिड़ियों को उड़ाते रहते और लोगों की पूरी कोशिश होती थी कि चिड़ियाओं को खाना ना मिले और गोरैया को बैठने की जगह न मिले इससे गोरैया कब तक उड़ती आखिर में थक कर गिर जाती और उसे मार दिया जाता था इसी प्रकार गोरैया के, के अंडों को भी फोड़ दिया और इसी प्रकार गोरैया उनके क्रूरता का शिकार हुए चीन में हालत यह थी कि जो शख्स जितनी गोरैया को मारता था उसे स्कूल कॉलेज के आयोजनों में मेडल और इनाम दिए जाते थे अब गोरैया को यह बात समझ में आ गई थी कि अब उनके लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है इसीलिए एक बार बहुत सारी गोरैया झुंड बनाकर पोलैंड के दूतावास में जा छुपी। परंतु गोरैया को मारने वाले वहां भी पहुंच गए और उनके सिर पर खून सवार था उन्होंने दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया और इतने ड्रम बजाए कि उड़ते उड़ते थक कर साड़ी गोरैया गिर कर मर गई अब चीन के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उनका अनाज खाने वाली गोरैया से छुटकारा मिल गया था और अब अनाज सुरक्षित रहेगा परंतु क्या अनाज सुरक्षित रहा नहीं बल्कि उल्टा हो गया अगले दो साल आते आते 1960 तक लोगों को समझ आ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है गोरैया केवल अनाज ही नहीं खाता था बल्कि कीड़ों को भी खाता था जो अनाज की पैदावार को खराब करने का काम करते थे गोरैया के मर जाने से नतीजा यह हुआ कि धान की पैदावार बढ़ने की बजाय तेज़ी से घटने लगी टिड्डी और दूसरे कीड़ों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और उनकी आबादी पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया सभी फसलें खराब हो गई और बुरी तरह से अकाल पड़ गया और इस अकाल में चीन के ढाई करोड़ लोग मारे गए माओ जेडोंग को अब अपनी भूल समझ में आ चुकी थी उसे पता चल चुका था कि प्राकृतिक से खेलना कितना खतरनाक होता है दोस्तों गोरैया वैसे ही लुप्त होती जा रही है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को नहीं सहन कर पा रही है अगर हम उसे पानी और अनाज देंगे तो शायद वह कुछ समय तक और हमारे साथ रहे नहीं तो उनकी संख्या तेजी से खत्म हो रही है हालात यह है कि जो अंडे से चौदह दिन में बच्चे निकल आते थे अब उसके अंडों से बच्चे निकलने में एक महीने का समय लग रहा है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस घटना से सबको यह पता चला होगा कि प्राकृतिक से खेलना कितना घातक होता है